दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम बात करते हैं एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप के बारे में कि इस एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कौन कौन सी समस्या में करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट क्या है और यह किस कंपनी द्वारा बनाया है, इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन और बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों यह एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप जो है यह बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इसमें दो तरह का इंग्रेडिएंट मिला करके यह सिरप तैयार किया गया है। इसमें 1 किलो फिनेक हुआ वह 50 mg मिलाया गया है, वहीं पैरासीटामॉल जो है 125 mg मिला करके यह सिरप तैयार किया गया है। यह सिरप जो है एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप 70 रुपए का इस एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप को आप ले सकते हैं। दोस्तों इस सिरप का जो है इसका रेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों यह है एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप जो है बच्चों को उतने समय दिया जाता है जब बच्चों को किसी भी तरह से उनके शरीर में दर्द हो रहा है, चाहे उनका आंख दर्द कर रहा है या उनका कान दर्द कर रहा है या उनका दांत दर्द कर रहा है या उनका शरीर दर्द कर रहा है या हाथ पैर दर्द कर रहा है या कहीं उनको चोट लग जा रहा है तो चोट की वजह से उनको शरीर में दर्द सूजन बना है, तो उतने समय इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या रहता है कि बच्चों को जब फीवर बहुत ज्यादा रहता है तो उनके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, तो उतने समय भी इस एल्जेसिक पी सिरप का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। दोस्तों यह सिरप जो है बच्चों को कैसा भी दर्द हो शरीर में उसे सही करने का ही काम करता है। दोस्तों यह एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप जो है यह मैंगो फ्लेवर में आता है, जो 60 ml का यह सिरप आता है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो 1 किलो फिनाइल पैरासीटामॉल सस्पेंशन सिरप बनाती है। अगर मार्केट में आपको यह एल्जेसिक पी सिरप नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी कंपनी का या किसी भी ब्रांड का आप 1 किलो फिनाइक पैरासीटामॉल सिरप लेकर के अपने बच्चों के दर्द और फीवर को आप सही कर सकते हैं। चलिए अब इसके डोज के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम, यानी TDS आप दिन में 3 बार इस सिरप का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं, क्या इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट होता कि नहीं होता। दोस्तों नॉर्मली वैसे एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस सिरप को लेने के बाद आपके बच्चे के शरीर में कोई भी बदलाव चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय सिरप को बंद कर, जैसे उनके शरीर में दाने निकल रहे हैं या उनको पल्टी महसूस हो रहा है या चक्कर आ रहा है या बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो उतने समय सिरप को आप बंद कर दें और नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सलाह ले लें। दोस्तों यह एल्जेसिक पी सस्पेंशन सिरप जो है शेड्यूल एच ड्रग में आता है, तो इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप इस सिरप का प्रयोग ना करें। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा का प्रयोग आप अपने मन से ना करें। मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है वह किस बीमारी में प्रयोग की जाता है, किस कंडीशन में प्रयोग की जाता है, कौन कौन सी समस्या सही हो जाती है उसी के बारे में बताया जाता है, ना कि किसी भी दवा का हम प्रचार करते हैं। कोई भी दवा आप लेना चाह रहे हैं या खिलाना चाह रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, सलाह ले, तभी किसी दवा का प्रयोग करें। कोई भी दवा आप अपने मन से प्रयोग ना करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपकी पीछे और भी अच्छी वीडियो आते हैं। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।